Learn Computer with Argus Academy. With Argus Academy. आज हम लोग देखेंगे how to access data from HTML page using JavaScript. मान लीजिए हम लोग अगर कोई फॉर्म वॉर्म बनाते हैं या कोई डेटा वोटा इनपुट कराते हैं एक नॉर्मल HTML पेज में, तो उससे थ्रू HTML कैसे डेटा एक्सेस करेगा. तो पहले बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं. हम लिखते हैं यहाँ बॉडी. अब लिखते हैं एंटर योर नेम. इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल लिया. अब यहाँ पे डेटा रीड करेगा HTML फिलहाल इनपुट टाइप टेक्स्ट से आईडी के थ्रू. तो मान लीजिए इसको ए रखते हैं, तो वो br दे देते हैं और फिर हम लोग बटन बना देते हैं. ऑन क्लिक हम लोग शो नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, मतलब कॉल कराएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं शो भी. फिर हम लोग br देते हैं और इसमें नीचे एक डाल देते हैं टेक्स्ट एरिया. इसमें भी आईडी डाल देते हैं, मान लीजिए r. टेक्स्ट एरिया हमारा क्लोज हो जाएगा. इतना पहले रन करा के देख लेते हैं कि किस तरह से दिख रहा है. तो एक ऊपर एक ब्लॉक दिख रहा है जिसमें हम लोग टाइप कर सकते हैं, बटन दबाएंगे. नीचे एक ब्लॉक दिख रहा है, इसमें हम चाहते हैं ऊपर वाला वैल्यू आ जाए, पर यहाँ टाइप नहीं हो. इसके लिए टाइप नहीं हो के लिए इसको हम लोग रीड ओनली कर देते हैं. तो अभी फिलहाल हमको क्या चाहिए कि जब हम लोग जो ऊपर टाइप करें बस बटन दबाने पे वो नीचे दिखा दे, मतलब इसके अंदर शो फंक्शन कॉल कराया हुआ है, शो फंक्शन यहाँ का वैल्यू रीड करे और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुँचा दे. तो उसके लिए अब हम लोग शो फंक्शन पे आते हैं. हम लोग लिखते हैं फंक्शन शो, एक वेरिएबल ले लेते हैं मान लीजिए x. अब हम लोग को क्या है, फॉर्म सेट जब डेटा रीड करना है तो हम लोग पहले क्या है ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट और फंक्शन रहेगा गेट एलिमेंट बाय आईडी. कैमल केसिंग रहेगा तो कैपिटल स्मॉल इस तरह से रहेगा. यहाँ पे हम लोग डालेंगे आईडी का नाम और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू या फिर हो सकता है एसआरसी या फिर हो सकता है इनर एचटीएमएल या फिर हमारा हो सकता है चेक्ड. तो ये सारा चीज अलग अलग हो सकता है. अब इसमें पहला चीज डॉक्यूमेंट क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पेज को. गेट एलिमेंट बाय आईडी ये हमारा क्या है, फंक्शन है. और फिर आईडी नेम क्या है, आईडी नेम हमारा जो है पैरामीटर है और उसी आईडी के थ्रू डेटा एक्सेस करेंगे. अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग जो लिखते हैं वो है हमारा वेरिएबल्स. तो वेरिएबल के रूप में हमारा क्या है, एक तो है डॉट वैल्यू लिख रहे हैं, डॉट कॉन्केट करने के लिए है. अब डॉट वैल्यू हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो डॉट वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट में. फिर हम लोग यूज कर सकते हैं सेलेक्ट ऑप्शन वाले में. उसके अलावा फिर हम लोग यूज कर सकते हैं इनपुट टाइप
डेट में और इनपुट टाइप पासवर्ड में भी। इनपुट टाइप पासवर्ड में भी यूज किया जा सकता है। तो ये सब तरह का अगर हमारा फॉर्म में रहेगा तो इसमें हम लोग डॉट वैल्यू यूज करेंगे। डॉट एसआरसी हम लोग यूज करेंगे आईएमजी एसआरसी के लिए, जिसमें मान लीजिए कोई फोटो वोटो का नाम रहे। फिर डॉट इनर एचटीएमएल हम लोग यूज करेंगे या तो स्पैन में और या फिर डिव। इसके बाद फिर हम लोग का है डॉट चेक्ड। डॉट चेक्ड हम लोग यूज करेंगे इनपुट टाइप रेडियो में या फिर इनपुट टाइप चेकबॉक्स में। तो अच्छा, यहाँ डॉट वैल्यू हम लोग इसके लिए भी यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया के लिए भी इसी को यूज करेंगे। तो टेक्स्ट एरिया वाला में भी यही यूज होगा। तो फिलहाल हम लोग का यहाँ पे क्या है, हम लोग के पास है नाम जो डाल रहे हैं हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट में, आईडी ए में डाल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स में हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारा ए हो गया, याद रखना है आईडी हम लोग सेम नहीं यूज करेंगे दो, या नहीं कर सकते हैं। और फिर लिखेंगे वैल्यू, क्योंकि इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए हम लोग ये कि वैल्यू डालते हैं। और उसके बाद हमको इस वैल्यू को पहुंचाना कहाँ पे है, आर में। ठीक है, यहाँ से हम लोग का डेटा रीड कर लेगा, एक्स वेरिएबल में आ जाएगा, इसको पहुंचाना आर आईडी में है। आर आईडी डायरेक्ट नहीं आएगा, वो भी आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आर लिखा। और फिर इसके लिए भी वेरिएबल लिखेंगे वैल्यू, और फिर हम लोग मान लीजिए लिख देते हैं वेलकम और प्लस दे के फिर लिख देते हैं एक्स। इसको हम लोग फिलहाल रीलोड करके देखते हैं। हम लिखते हैं राजू, शो बटन किया तो यहाँ दिखा रहा है वेलकम राजू। अब इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग यहाँ नीचे डाल देते हैं स्पैन, इसमें भी आईडी दे देते हैं मान लीजिए एस। स्पैन बंद कर दिया। और फिर एक और हम लोग दे देते हैं डिव आईडी के स्पैन, डिव बंद कर देते हैं। अब स्पैन और डिव पहले से दिखाई नहीं देगा, जब उसमें कोई वैल्यू जाएगा तब दिखेगा। तो इसमें भी हम लोग वो वैल्यू पहुंचाते हैं, पर इसमें मान लीजिए स्टाइल देके फिलहाल हम लोग कलर रेड कर लेते हैं, और डिव वाले में भी स्टाइल से कलर ब्लू कर देते हैं, और टेक्स्ट एरिया में भी सीएसएस का इस्तेमाल करके इसको ग्रीन कर दे। अब हम चाहते हैं कि स्पैन और आईडी डिव में भी जो वैल्यू डाला हुआ है वो आए, तो उसके लिए फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मान लीजिए हम लोग एस लिखते हैं स्पैन के लिए, फिलहाल इसमें डॉट वैल्यू ही डाल देते हैं, पर इससे आएगा नहीं क्योंकि स्पैन के लिए यूज करना होगा इनर एचटीएमएल। फिर भी हम लोग इसको लिखते हैं, इसमें लिखें हाय एक्स, तभी हम लोग इसको रीलोड करते हैं। इसमें लिखते हैं राहुल करते हैं, तो यहाँ तो आ रहा है पर स्पैन का पार्ट नहीं आ रहा है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो ये कोई एरर भी नहीं दे रहा है, क्योंकि फिलहाल कोड तो सीख है पर एस नाम का कोई हमारे पास टेक्स्ट एरिया या इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या यूज करना होगा, इनर एचटीएमएल।
ये अब दोनों आ रहा है उसी तरीके से हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं डिव में वैल्यू पहुंचाना चाहते हैं तो लिखेंगे के और यहाँ पे लिखते हैं ग्रेट। तो ये डिव में भी आ रहा है। इसी तरीके से एक हम क्या कर लेते हैं नीचे हम लोग एक ग्रेट जो है नहीं डिव बनाए तो है डिव लिखा तो है यहाँ पे डिव लिखा है ना डिव में और दूसरा कुछ। वो बॉक्स होना चाहिए अरे तो उसमें कुछ कलर या वो डालेंगे तब तो दिखेगा वो डाला नहीं ना। इसलिए ओके नहीं दिख रहा है। डिव स्पैन का फायदा वही है कि पहले से वो दिखाई नहीं देगा ठीक है। नीचे ये इनपुट टाइप टेक्स्ट डाले उसका बॉक्स दिखाई दे रहा है और कोई वैल्यू डालेंगे तब दिखेगा। अब इनपुट ओके टाइप एक टेक्स्ट डाला इसमें डालते हैं इसका मान लीजिए एच कर लेते हैं तो इसमें भी वैल्यू चाहिए इसको भी हम लोग कर देते हैं रीड ओनली। अब एच आईडी में वैल्यू चाहिए तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ लिखना होगा वैल्यू और इसको एच कर लेते हैं यहाँ कर लेते हैं हेलो। तो इसको हम एक बेसिक सा एग्जांपल क्या देख रहे हैं कि भाई हम लोग एक कुछ डेटा डाले और फिर बटन प्रेस किया तो टेक्स्ट एरिया में भी वो डेटा कैसे आ रहा है स्पैन में कैसे आ रहा है डिव में कैसे आ रहा है और इनपुट टाइप टेक्स्ट में कैसे आ रहा है। इस तरीके से ही अलग अलग जगह डेटा दिखाई देता है। क्लियर है ये। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.